66 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जमा की थी जयललिता ने, और उस पर आज फैसला आया। पहले उन्हें दोषी करार दिया गया। हमारे संवाददाता आशीष लगातार बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सजा का ऐलान कर दिया गया है? जयललिता के लिए बड़ा तगड़ा झटका, उनको 4 साल की सजा सुनाई है विशेष अदालत ने, जो उनके आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा का ऐलान किया है जयललिता को। जयललिता के अलावा उनकी सहयोगी रही शशिकला के अलावा 2 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है। कुल 4 लोगों को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा सुनाई गई है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। तमिलनाडु की और दक्षिण भारत की राजनीति की बात करें तो जयललिता जो उभरता हुआ सितारा थे, जिनको बोला जाता है कि वो 2016 के चुनाव में एक तरीके से डीएमके जो अपोजिशन पार्टी उसका सफाया कर दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे, उनको उस एआईडीएमके पार्टी के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति के लिए भी आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि जयललिता पर जिस तरह से उन्हें दोषी करार दिया गया था और 4 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। 66 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति थी उनके पास, और उसी पर आज जो फैसला आया, पहले उन्हें दोषी करार दिया गया और उसके बाद जुर्माना लगाया गया है 100 करोड़ का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बेंगलुरु की विशेष अदालत की तरफ से ये बड़ी खबर, आज ही दोषी करार दिया गया था तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को, और उनको सजा का ऐलान भी हो गया, 4 साल की सजा और 100 करोड़ का जुर्माना। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। आशीष, जयललिता को सजा 4 साल।